काम करते समय आपके समय यह दिक्कत आती है कि आपके पास कई पीडीएफ फाइल्स हैं और आप चाहते हैं कि आप 4, 5, 8, 10 जितने भी पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप मर्ज करके केवल एक ही फाइल बना लें, मिलाकर केवल एक ही फाइल बना लें। वैसे तो अधिकांश लोगों को यह फीचर पता रहता है कि इंटरनेट की सहायता से कैसे आप कई पीडीएफ फाइल को मिलाकर एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। विशेष रूप से सरकारी कार्यालय में जो ई ऑफिस पोर्टल पर जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रायः इस फीचर की आवश्यकता पड़ती है कि कई पीडीएफ फाइल को मिलाकर हमें एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनाकर अपलोड करना होता है ई ऑफिस पोर्टल पर, या फिर जब हम कभी किसी को मेल भेजते हैं तो सिंगल पीडीएफ भेजना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने यह वीडियो बनाया है और हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो। आज हम देखेंगे कि कई पीडीएफ फाइल को मिला करके, कई पीडीएफ फाइल को मर्ज करके हम एक सिंगल पीडीएफ फाइल कैसे बना सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं, यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम है हिंदी के लिए कि हिंदी में किस प्रकार हमको लक्ष्य पूरा करना है। दो पीडीएफ फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वार्षिक कार्यक्रम 2021-22, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये एक सिंगल पीडीएफ फाइल है, वार्षिक कार्यक्रम 2021-22। यह एक फाइल है जिसमें 16 पृष्ठ हैं कुल, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं पहले दूसरा पीडीएफ फाइल भी आपको दिखा दूं जिसको हम मर्ज करने वाले हैं, वार्षिक कार्यक्रम 2022-23। यह दूसरा वार्षिक कार्यक्रम है राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार के कार्यालयों को लक्ष्य दिए जाते हैं वह है ये वार्षिक कार्यक्रम 2022-23। अब हम इन दोनों को अगर जोड़ना चाहते हैं, ये दो पीडीएफ फाइल हैं, इस पीडीएफ फाइल में कुल हमारे 14 पृष्ठ हैं, 14 पेजेस आर हियर। तो चलिए देखते हैं हम इनको कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों पीडीएफ फाइल को जोड़कर हम कैसा सिंगल पीडीएफ फाइल बनाएंगे। सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम सर्च इंजन खोल लीजिए, आपका इंटरनेट चालू रहना चाहिए तभी आप इस फीचर का उपयोग कर पाएंगे। यहां पर जाकर आपको टाइप करना है मर्ज पीडीएफ ऑनलाइन, मर्ज पीडीएफ ऑनलाइन ये आ गया यहाँ पर। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर, हम लोग ले लेते हैं ilovepdf.com, आप किसी में भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखा आपने ilovepdf.com नाम है इसका, आप सिलेक्ट पीडीएफ फाइल से यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट। अब आप देखेंगे आपका पीडीएफ फाइल कहाँ पर है, वहाँ पर जाकर आपको सर्च करना है। मेरा पीडीएफ फाइल डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप में चले जाऊँगा, ये डेस्कटॉप में आप मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर यह देखिए वार्षिक कार्यक्रम का जो मेरा फोल्डर है जो मैं आपको दिखाया था, इस पर डबल क्लिक करूँगा। ये मेरे दोनों वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 और वार्षिक कार्यक्रम 2022-23, ये दो पीडीएफ फाइल हैं जिनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और नीचे भी क्लिक कर दीजिए, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, वार्षिक कार्यक्रम 2021-22, वार्षिक कार्यक्रम 2022-23, ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ मैं ओपन बटन पर क्लिक कर दूंगा ओपन, ये देखिए दोनों यहाँ पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर राइट साइड में जो मर्ज पीडीएफ लिखा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो दोनों मर्ज हो जाएंगे, मर्ज पीडीएफ, पीडीएफ फाइल मर्ज हो चुका है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड मर्ज पीडीएफ यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, शो ऑल जो लिखा हुआ है राइट साइड में कहाँ पर डाउनलोड हुआ है जाकर देखना है तो आपको, ये देखिए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है शो इन फोल्डर, आई लव पीडीएफ मर्ज पीडीएफ यहाँ पर लिखा हुआ है, शो इन फोल्डर, जिस फोल्डर में यह सेव हुआ है वहाँ पर दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, ये मैंने कॉपी कर लिया और जहाँ पर मेरा फोल्डर है वहाँ पर जाकर मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अगर आप इसको नाम देना चाहते हैं तो यहां पर राइट क्लिक कर लीजिए, रीनेम एनुअल प्रोग्राम जैसे लिखना है तो आप इसको नाम दे दीजिए एनुअल प्रोग्राम। अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों यहां पर मर्ज हुआ है कि नहीं। ये देखिए जो मर्ज किया हुआ फाइल है 2021-22 आप देख रहे हैं, यहां पर टोटल 30 पेजेस आ चुके हैं। यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं 2021-22 वाले वार्षिक कार्यक्रम में 16 पेजेस थे और 22-23 में 14 पेजेस थे, टोटल हो जाते हैं 30 पेजेस। अब यह सिंगल पीडीएफ बन चुका है, आइए देखते हैं। तो 2021-22 का यह आप देख रहे हैं, उसके नीचे में आपको दिखेगा 2000, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2022-23। तो इसी प्रकार आप 2, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी पीडीएफ फाइल्स को मर्ज कर सकते हैं और सिंगल पीडीएफ फाइल बना सकते हैं और उसका जरूरत के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप सबको यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और विशेष रूप से यह चैनल इंग्लिश और लैंग्वेज के संबंध में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके लिए है, और ये छोटी छोटी बातों की जानकारी भी मैं समय समय पर आपको देते रहूँगा। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।